आप लोगों को क्या लगता है कहीं अपना घोटाला है? What? आज पता चल जाएगा। Can't believe this. Let's do this. रिव्यूज आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जी नहीं टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की मूवी नहीं बल्कि पॉपुलर ब्रांड्स के सबसे बड़े पैकेजिंग वर्सेस देयर सबसे छोटू पैकेजिंग। हम जानेंगे कि सेम प्राइस वैल्यू में अगर हम बड़े मियाँ लेते हैं वर्सेस उतनी ही प्राइस के वैल्यू के हम छोटे मियाँ लेते हैं तो हमें ज्यादा माल मसाला किस में मिलता है। सो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं हम सबके फेवरेट लेज से। ये देखो ये है मेरा सेटअप। यहाँ पे मैंने लगाई है ये वेइंग मशीन जिसपे ये बोल रखा हुआ है और अभी ये जीरो पर है राइट। ये है लेज का पार्टी पैक 50 रुपीज वाला। ओके सेम प्राइस में मैं ये 5 रुपए के 10 लेज के पैकेट लेकर आई हूँ और राइट। और ये है 10 रुपए के 5 पैकेट। 50-50 रुपए के इन तीनों सेट्स के चिप्स को मैं एक एक करके इस बोल में डालूंगी। हम इन्हें वजन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें इस अमाउंट में इक्वल क्वालिटी ऑफ चिप्स मिलते हैं या फिर कहीं घपला घोटाला है। ऑलराइट लेट्स बिगिन विद द 50 रुपीज पैक। ग्राम्स। ऑलराइट चलो अब फटाफट से मैं ये 5-10 रुपए वाले पैकेट इसके अंदर डालती हूँ और देखते हैं इसमें से कितने क्वांटिटी निकलते हैं चिप्स। आप लोगों को क्या लगता है क्या इसमें ज्यादा क्वांटिटी होगी? व्हाट गाइस 4 पैकेट हुए हैं अभी और 111 ग्राम हो चुका है। एक पांचवा पैकेट मैं डाल रही हूं यहां पर। आई डोंट बिलीव दिस 139 ग्राम्स। Definitely 5 packets versus 50 रुपए के पैकेट में बहुत डिफरेंस है बट अभी तो सबसे वाले छोटे मियाँ जो है बाकी हैं। लेट्स डू दिस। हमेशा से लगता था कि सबसे ज्यादा हवा इस पार्टी पैक में ही होती है which is so true. Guys, best option है 10 रुपए वाले लेज। तो दिखावे पे ना जाओ अपनी अकल लगाओ। ये नेक्स्ट कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का रिव्यू करने के लिए मुझे बहुत चुल हो रही थी। मैं बात कर रही हूँ कॉफी की। देखो मेरे घर पे ना कॉफी बहुत ज्यादा लगती है और ये वाला जो पैक है 180 रुपीज का है नेस्कैफे का ये बॉटल और उसी के साथ मैं ये सैशेज लेकर आई हूँ वर्थ 180 रुपीज। तो ये 90 सैशेज हैं 2-2 रुपए का एक सैशे। मैं जब भी होटल्स में जाती थी और ये सैशे यूज करती थी ना मुझे लगता था कहीं इन सैशेज में ज्यादा कॉफी तो नहीं आती है। आज पता चल जाएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस 180 रुपीस वाले पैक को वे करते हैं कि इसमें कितनी कॉफी है। ग्राम्स। चलो अब इन वाले सैशेज में से देखते हैं कितनी कॉफी निकलेगी। 89 ग्राम्स। 90 समझ लो। 1 ग्राम तो मुझे लगता है खोलते हुए पैकेट से इधर उधर उड़ गया होगा। लिटरली डबल द अमाउंट ऑफ व्हाट यू गेट इन दिस पैकिंग। भैया नेस्कैफे वाले कन्वीनियंस के पैसे काट रहे हैं हमारे। सैशेस यू माय न्यू फेवरेट।
एंड फ्रेंड्स, जिन बड़े मियां और छोटे मियां को अब हम कंपेयर करेंगे वो है क्लिनिक प्लस के ये बॉटल और सैशेज। 115 रुपए की ये बॉटल आई है, जिसके बदले में 115 सैशेज मैं लेकर आई हूँ। एक एक रुपए का ये सैशे है। तो चलो सबसे पहले ना इस बॉटल के कंटेंट को मैं इसमें खाली करती हूँ और फिर इन सैशेज से इस बॉटल को भरने की कोशिश करूंगी और हम देखेंगे कि किस में हमें ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। ऑल राइट, सो इस 115 रुपए की बॉटल में से इतना शैम्पू निकला है, ठीक है। अब इसको सैशे से भरना शुरू करते हैं। बाय द वे गाइस, ट्रिविया, यू नो बचपन में मेरे पापा ये काम किया करते थे। उनके फ्रेंड की ना एक दुकान थी किराने की, और अंकल ने पापा को बताया था कि सैशेज में हमेशा ज्यादा सामान आता है। एंड आई यूज्ड टू जज माय फादर कि आए हाय आप ये क्या कर रहे हो, बट पापा हम सबसे बचपन में ये काम कराते थे एंड टुडे आई नो व्हाई। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस सैशे को डालते ही ये बॉटल हो जाएगी फुल। Let's count कि कितने से sashes में ये बॉटल भर गई है। 30 sashes में ये बॉटल हो गई है फुल। I can't believe this। मतलब literally इन sashes में 4 गुना ज्यादा शैम्पू है। So friends, my final verdict in terms of क्वांटिटी, डेफिनेटली द विनर इज छोटे मियां। बहुत ज्यादा सामान आ रहा है छोटे छोटे सैशेज में। इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, डेफिनेटली द विनर इज बड़े मियां, क्योंकि सैशे काटने का इतना झंझट है ना, सरदर्द है थोड़ा सा। इन टर्म्स ऑफ बीइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली, आई थिंक दोनों से ही कचरा फैलता है, बट द विनर शुड बी बड़े मियां। ओवरऑल अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें, मेरे हिसाब से विनर छोटे मियां ही हैं। फ्रेंड्स, मुझे तो ये कंपैरेटिव रिव्यू करने में बहुत मजा आया। आप लोग मुझे बताना कि अब से आप किस चीज को खरीदोगे, बड़े पैकेट्स को कि छोटे पैकेट्स को, नीचे कमेंट करके बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय, आई लव यू ऑल।